गाइज कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द क्लासेस। टुडे आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी पोर्शन। इन द मॉर्निंग आई विल बी टेकिंग द ज्योग्राफी क्लासेस एंड ड्यूरिंग इवनिंग टाइम और ड्यूरिंग इवनिंग इवनिंग क्लास आई विल बी टेकिंग अप योर हिस्ट्री पोर्शन करेंटली। ठीक है, तो ज्योग्राफी शुरू करते हैं। जहाँ पे कोई डाउट हो आप उसी समय अपने डाउट्स को रेज करें और प्लीज आस्क वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम्स एंड वॉट एवर डाउट यू हैव। और शुरू करते हैं आज का सेशन बड़े प्यार से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी में, जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी को कैसे समझा जा सकता है, क्या पढ़ोगे ज्योग्राफी में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझते हैं, फिर हम एक बार सिलेबस गो थ्रू करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, इवन जुडिशियरी हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो। ठीक है, उन सब के लिए एक बार हमें देखना जरूरी है कि आता क्या क्या है ज्योग्राफी में, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेके। तो ठीक है, तो ज्योग्राफी को अगर देखा जाए, ज्योग्राफी को अगर हम बाइफरकेट करें या फिर इसको हम स्प्लिट करें इसके अगर लिटरल मीनिंग को, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है जियोस, ठीक है, और दूसरा है ग्रेफोस। ठीक है, ग्रेफोस, ग्रेफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन एंड जियोस मीन्स अर्थ। दैट सिंपली मीन्स इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अर्थ के बारे में, अर्थ का डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे और यही आपको सिलेबस को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट प्लेसेस स्पेसेस ऑफ अर्थ सर्फेसेस एंड देयर इंटर रिलेशंस विथ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एंड इट वॉज फर्स्ट टर्म्ड बाई एटोस्थीन्स। ठीक है, ज्योग्राफी टर्म जो था वो सबसे पहले एटोस्थीन्स के द्वारा टर्म किया गया था। तो ये बेसिकली देखा जाए ज्योग्राफी है क्या है, ये इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नेचर एज वेल एज द स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, दैट इज ज्योग्राफी। अब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, अगर सिंपली अगर देखा जाए तो हम क्या क्या देख सकते हैं। शुरू करेंगे, कभी भी किसी चीज के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले तो हम जानेंगे उसके ओरिजिन के बारे में। ठीक है, ओरिजिन के बारे में, फिर ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के बाद आप क्या करोगे, आप जानोगे कि उसका फिजिकल फीचर क्या है। ठीक है, ओरिजिन पता लगा कि ऐसे 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 आके बना। ठीक है, तो आप अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में बताओ, तो फिजिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं अर्थ के टर्म्स में, लिथोस्फेयर होगा। ठीक है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बाद और क्या है, एटमॉस्फेयर। इसके बाद क्या आ सकता है एटमॉस्फेयर के, लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर के बारे में पता लग गया, फिर आप क्या जानोगे, जो इसका वाटर बॉडीज है। लैंड फॉर्म्स हो गए, और क्या जानोगे। ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन्स एंड डिजास्टर्स, और क्या हो सकता है, और क्या होगा। जब देखो, ये तो हो गया एक फिजिकल फीचर की हम बात की है, तो हमने इन सारी चीजों को देख लिया कि ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें आती हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आ गया, वाटर बॉडीज आ गई, नेचुरल फेनोमेना क्या क्या है, जैसे कि क्या हो गया साइक्लोन क्या होता है, आपके जो बाकी के अर्थक्वेक हो गया, आपका वोल्केनो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, लैंडफॉर्म्स में हमें सारा चीज आ गया कि कौन से प्लेन्स होते हैं, माउंटेन बॉडीज होती है, या फिर आप देखोगे जो प्लेटो का एरिया होता है वो सब क्या होता है। वाटर बॉडीज में अगर देखा जाए रिवर, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम के अलावा आपके ओशियंस। ठीक है, सारा हाइड्रोस्फेयर, इसको हाइड्रोस्फेयर ही कर लो। ठीक है, ये हो गया। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक क्या कंस्टिट्यूएंसी है हमारी, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर मे बी, चलो फिर से मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले ओरिजिन था, ओरिजिन के बाद आता है आपका लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में कंस्टिट्यूएंट देखते हैं, इट इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ की बना किस चीज से है। ठीक है,
फिर आ जाता है एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर क्या है? अच्छा, लिथोस्फेयर में इंटीरियर प्लस सॉइल भी आता है, ठीक है, सॉइल पैटर्न्स जो होते हैं वो भी आता है। एटमॉस्फेयर हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, इसके अलावा और क्या हो गया? लैंड फॉर्म्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, या हाइड्रोस्फेयर हो गया, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना। डिजास्टर, ठीक है। और जब इंटर रिलेशन की बात करते हैं तो एरिया स्पेसिफिक देखते हैं। लाइक अगर हम इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, तो ये हम पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। इससे पहले आपका कहीं यहीं पे ही लिथोसा ओरिजिन के बाद हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट इन द सेंस ऑफ व्हाट? जो लैटिट्यूड्स हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स, या इमेजिनरी लाइंस इसको कह लो, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तो इंडियन ज्योग्राफी को, इंटर रिलेशन को हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, जो आपके और क्या क्या इन्वायरमेंटल रिलेटेड थिंग, लाइक क्या, बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा और क्या हो जाता है बायोडाइवर्सिटी के अलावा? आपके रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। गुड मॉर्निंग आशु, ठीक है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी हो गया। और फिर आगे क्या देख सकते हैं? इसके जो रोड्स हैं, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, रोड्स में ही आ गया, ठीक है। एंड जो भी है, वाटरवेज हो गया, स्काईवेज हो गया, या फिर रोडवेज हो गया, सारी चीजें हम देखेंगे। यही सारी चीजें आपको अगर देखा जाए, अगर मतलब पर्टिकुलर इंटरफेरेंस विथ ह्यूमन बींग्स, तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बॉर्डर्स होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखोगे ज्योग्राफिक कंडीशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। फिलहाल अभी के पर्पज के लिए इतने ये सारे टॉपिक्स होंगे जो पूरे कवर किए जाएंगे। फिलहाल जब बात करते हैं तो हम ओरिजिन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन की कहानी बेटा जब हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन में एक सिंपल सी बात है कि ओरिजिन, जब यूनिवर्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्थ कहाँ से आया। तो देखो जी, अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछूंगा कि अर्थ कहाँ से आया या अर्थ क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो ये एक प्लैनेट है। फिर मैं पूछूंगा आपसे ये प्लैनेट क्या है, ठीक है, तो आप प्लैनेट को डिफाइन करोगे। फिर मैं पूछूंगा ये प्लैनेट आया कहाँ से, तो आप कहोगे कि ये सन का पार्ट है या फिर सोलर सिस्टम का पार्ट है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो आप बताओगे सर ऐसे ऐसे सन है, फिर सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ये बताओ कि सोलर सिस्टम कहाँ से आया। फिर आप बताओगे कि सर ये तो गैलेक्सी का पार्ट है, तो फिर मैं पूछूंगा आपसे गैलेक्सी कहाँ से आया, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्स का पार्ट है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना किसी टॉपिक का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से कि ये दुनिया कहाँ से बनी। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, ये यूनिवर्स की, ठीक है, तो यूनिवर्स को सबसे पहले ये एक लेटिन वर्ड यूनिवर्सम से डिफाइन हुआ है, ठीक है, जिसका रोमन यूज करते थे ग्लोब्स एंड कॉस्मोस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इसके बाद से हम इसको जो यूनिवर्सम से ही बना यूनिवर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आया कहाँ। ये टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा मतलब स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं, किसका, अर्थ का, ठीक है। तो कहते हैं भाई कि दुनिया में जब कुछ नहीं था, अगर देखो, अगर धार लेट से थोड़ा रिलीजियस बेसिस पर देखते हैं, तो अगर हिंदू हिंदू माइथोलॉजी या फिर हिंदू कल्चर के हिसाब से देखा जाए,
तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की रचना किसने करी? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, भगवान ने, भगवान शिव ने करी है। तो इसीलिए ओम का साउंड कहते हो गए कि बहुत बार सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि यूनिवर्स से ओम का साउंड आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। वही मुसलमान से पूछोगे कि भाई कहाँ से आया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने करी, ठीक है। जब इनसे पूछोगे क्रिश्चियन से, तो वो बोलेंगे कि भैया जो यूनिवर्स है उसको गॉड ने बनाया, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंसेस है। अब मेरी मर्जी, मैं कहूंगा कि अगर मैं अगर हिंदू हूं तो मैं कहूंगा कि ये शिव जी ने बनाया। अगर कोई मुसलमान है वो कह रहा है कि नहीं जी, ये जो यूनिवर्स है इसको बनाया किसने? इसको बनाया अल्लाह ने। तो यहीं पे डिफरेंसेज आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है, एक बंदा था जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्री, ठीक है। ठीक है, ये अराउंड 1930 से लेके 31 में कहते हैं कि देखो जी, आप जिसको कहते हो कि शिव शिव है, या एक सिंपल सी, इधर ही मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि देखो, आप कहते हो लेट से आपने शिव को देखा है, नहीं देखा है जी, ठीक है। आपने अल्लाह को देखा है, नहीं देखा है, अल्लाह तो सर्व सब सभी जगह है। गॉड को देखा है, नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है, आपके आपके जो भी भगवान हैं, जिन्होंने भी धरती बनाई, जिन्होंने भी ये सृष्टि की रचना की, उनको हम एक शेप या फिर कुछ भी शेपलेस हम कहते हैं कि ये है वो, ठीक है। और इस चीज के बारे में कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं कि अब शिव जी, अगर मैं पूछूं कि शिव जी कहाँ से हैं, तो वो तो सदा से थे, ठीक है, फॉर एवर थे। इनका ना कभी ओर है ना अंत है, ना कभी कहीं से शुरुआत है ना कहीं खत्म होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी कि इन्हीं से सब निकलते हैं और वापस से लौट में के इन्हीं में आते हैं, जैसे कहते हैं ईश्वर से ही, ईश्वर के पास से ही आए हैं और ईश्वर में ही मिलना है, ये भी प्रॉपर्टी है इसके पास, बढ़िया जी, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी ये है कि पूरी सृष्टि की रचना इन्होंने ही करी है, ठीक है। तो इसका नाम उन्होंने दे दिया ब्लैक होल, ठीक है। और इसने कहा कि जब ब्लैक होल का क्या काम है कि ये हमेशा से एक नेवर एंडिंग प्रोसेस को ये फॉलो करता है, उस प्रोसेस का नाम है, अगर देखा जाए उस प्रोसेस का नाम है कि ये क्या करता है कि बहुत सारे मतलब गैलेक्सीज की रचना करता है, और बाद में चल के वापस से वो चीज, वापस से अपने, जब वो गैलेक्सीज मैच्योर हो जाती है तो वापस से अपने आप में समेट लेता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है ब्लैक होल की, ठीक है। और कहते हैं कि टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली नंबर्स में अगर देखा जाए 10^11 ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स गैलेक्सीज बनाए, ठीक है। अब पूछ, अगला आ जाएगा गैलेक्सीज क्या होते हैं, ठीक है। 10^11 गैलेक्सीज बनाए, ठीक है। और उनमें एक एक गैलेक्सी में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 10^21 स्टार्स होते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेट नंबर है, ठीक है। ये है, अब गैलेक्सीज कैसे बनती हैं कि देखो बहुत सारे, इसका काम क्या है कि जैसे आप कहोगे कि ये क्या करता है कि एक बार में सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है और फिर वापस करता है, बाहर करता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, रॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और यही चीजें क्या हुआ कि ये आगे चल के जैसे ही जो बड़े बड़े आए, जो रॉक्स आए वो स्टार बने, और उनके आसपास जो डस्ट रहे या फिर वो छोटे छोटे रॉक्स थे, या फिर इन्हीं रॉक से टूट के जो छोटे छोटे रॉक्स बने वो प्लैनेट्स बन गए। ये नेबुलर हाइपोथेसिस का है जो ये कहानी मैंने बताया। बट ये जो अगर ब्लैक होल वाली थ्योरी, अगर टोटल को अगर मैं समझाऊं, तो यही आपको बिग बैंग थ्योरी के नाम से फेमस है। एक शॉर्ट में समराइज करके मैंने बताया, ये बिग बैंग थ्योरी के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसको एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देखते हैं यहीं पे, ठीक है। कांस्टेंट एक्सपेंशन, अब इसके बारे में क्या कहता है कि कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ये होते रहता है, ठीक है, ये बढ़ते रहता है, और बाद में ये वापस से क्या होगा, अपने आप में सब, जब ये मेच्योर हो जाएगा ये वापस से अपने आप में समेट लेगा सारा चीज, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी, ये ब्लैक होल की प्रॉपर्टी है, ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज कर देखते हैं आगे इसके, ठीक है। अब हम पूछते हैं कि ठीक है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, तो ये क्या होता है, गैलेक्सीज क्या होते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, एंड देयर सोलर और स्टार सिस्टम,
ठीक है, स्टार सिस्टम, तो ये दिखता कैसा है, कैसा बना होता है, कैसा होता है, मतलब सब एक साथ कलेक्टिव होता है? नहीं, ये भी कुछ खास पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये भी एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, और अप्रोक्सीमेट जो इनकी मतलब लाइफ होती है वो 70,000 मिलियंस की मतलब होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एज भी होती है और इतने ही स्टार्स होते हैं। कहते हैं कि जो पहला और आखिरी स्टार जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद धीरे धीरे वो दबना शुरू बंद हो जाता है, ठीक है, इसी के मतलब फिर वापस से वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, तो यही आप एज भी मान सकते हो या फिर अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। अब देखते हैं और कहते हैं कि ये जो है, ये जब यूनिवर्स में जब गैलेक्सी बनती है या फिर ये सारी चीजें बाहर आती है, ये आपस में एक खास तरह के फोर्स से बंधे होते हैं, और ये इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बेसिकली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यही जब धरती के कंपैरिजन में या फिर अर्थ के कंपैरिजन में हम कहते हैं तो उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दे देते हैं, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि किसी भी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो गैलेक्सी के बारे में कहते हैं, गैलेक्सी क्या है, तो देखो जी, गैलेक्सी है मिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ स्टार्स जब एक साथ अपने सिस्टम के साथ एक यूनिफॉर्म शेप में या फिर किसी एक स्ट्रक्चर में और अपने आप को सब एक साथ बांध के रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो वो होगा आपका गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी होगा। अब गैलेक्सी कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ऑब्जर्वेशन गैलेक्सीज को तीन पार्ट में डिफाइन किया गया है, तीन अलग अलग काइंड में डिफाइन किया गया है। एक इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, इलिप्टिकल इन द सेंस कि ये बेसिकली जो इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है ये मैच्योर्ड गैलेक्सी होती है, मतलब ये पुरानी होती है। इसके बाद आता है स्पाइरल गैलेक्सी, और एक होता है इरेगुलर जो अभी इन्फेंट गैलेक्सीज है, नई गैलेक्सीज है, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सी की के बारे में कहते हैं कि इलिप्टिकल गैलेक्सी का जो ये इमेज आप देख रहे होगे, इसका अंदर का जो पार्ट होगा, ठीक है, इसका जो अंदर का पार्ट होगा ये येलोइस कलर में होगा, इसके जो आई होंगे इस गैलेक्सी के ये येलोइस में होंगे और रेड हैंड्स में इसके निकले होंगे, ठीक है, ऐसे करके आप देखोगे रेड हैंड्स होंगे, और इलिप्टिकल होगा मतलब ये शेप में ऐसे होगा, पूरा इलिप्स की फॉर्म में एक बना होगा, ठीक है, समझ में आया। और इसका एग्जाम्पल आप देख लो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में बात करें तो ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी भी है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे आवर गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे के नियरेस्ट में अगर देखा जाए तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। दूसरा अगर देखा जाए स्पाइरल शेप में आता है स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी कौन से होते हैं, ये इनसे मतलब थोड़े से कम मेच्योर होते हैं, और इनका जो ये सेंटर होता है ये रेड होता है, और ये आर्म्स जो होते हैं इनके ये ब्लूइश कलर में होते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर देखा जाए इनके बारे में बात की जाए, बेयर स्पाइरल के बारे में बात की जाए, तो ये भी एक एक तरह से देखा जाए तो ये भी स्पाइरल का ही पार्ट है, अलग से हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है उसकी स्टडी हमने इन डेप्थ करी है मिल्की वे की, तो इसलिए इसका हम एग्जैक्ट फिगर एक बता रहे हैं कि बेयर्ड स्पाइरल इसका शेप है, ठीक है। इसका जो अंदर का पार्ट होगा ये येलोइश एंड रेडिश कलर में होगा, और ये जो होगा ये ब्लूइश कलर में होगा, ये पूरा का पूरा ब्लूइश होगा, ठीक है, ये हो गया। और ये तो एक इरेगुलर शेप तो हो ही गया आपका, ठीक है, इरेगुलर शेप में जो आ गए आपके जो भी गैलेक्सीज हैं ये इन्फेंट गैलेक्सीज हैं, ठीक है। आपका मिल्की वे जो है वो यंग गैलेक्सी है, जो कहते हैं कि अभी ये अभी एक्सपेंडेड, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंड हो रहा है गैलेक्सी, फिर ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिलहाल ये अपने एक्सपेंडिंग फेज में है, ठीक है, तो ये हमारा यंग गैलेक्सी है। बट इसकी बात करें एंड्रोमेडा की, तो ये मैच्योर गैलेक्सी हो गई है, ये रुक चुकी है, या तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर यहीं पे ये खत्म होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक डिफरेंस डिफरेंस की, तो सिंपली देखा जाए स्पाइरल गैलेक्सी क्या होगा, स्पाइरल गैलेक्सी क्या होगा, इनके हैंड जो होंगे वो ब्लू होंगे, ठीक है, और सेंटर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है, और इनका एक फिक्स शेप होगा, स्पाइरल शेप में होंगे। इलिप्टिकल क्या होंगे, ये मेच्योर होंगे, और इसके बारे में स्पाइरल की ही बात करें ये यंग गैलेक्सीज होंगी, ठीक है, इलिप्टिकल की बात करें ये मेच्योर होगा, इनका सेंटर जो होगा वो रेड होगा, और आर्म्स जो होंगे वो आपके इनके जो आर्म्स होंगे ये येलोइश कलर में होंगे, ठीक है।
और ये कॉन्स्टेंट गैलेक्सीज या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग गैलेक्सीज होते हैं। ठीक है, अब बताएं कि अगर बात की जाए कि मतलब गैलेक्सीज में, ठीक है, गैलेक्सीज में क्या सिर्फ यही सारी चीजें, यही डिफरेंसेस हैं? इसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, ये किस किस चीजों से बना होता है? सी, जब हम बात करें तो ये स्टार्स होते हैं, इसके सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये गैलेक्सीज ही नहीं होते हैं, इसमें स्टार्स भी होते हैं। ठीक है, स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अलावा क्या हो गए, स्टार सिस्टम हो गया, और क्या हो गया स्टार सिस्टम के अलावा, और क्या क्या हो गया, ठीक है, कॉमेट्स हो गए, ठीक है, मेटियोर्स, मेटोराइड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, तो ये सारी चीजें हमें इतना पता चला कि गैलेक्सी कहां से आया, गैलेक्सी आया ब्लैक होल से। ब्लैक होल क्या है, तो वही सेलेस्टियल सुप्रीमेसी है उनकी, ठीक है, जो दुनिया बनाते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं इसकी खासियत। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूनिवर्स इज सेम, जो यही है इसी प्रोसेस के बारे में, इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, इट इज करेंटली एक्सपेंडिंग एंड देन इट विल अगेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, इसी को कॉस्मोलॉजिकल रेट शिफ्ट डिस्टेंस रिलेशन भी पढ़ते हैं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यही बिग बैंग थ्योरी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, हैज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडेड अंटिल नाउ, अभी भी ये आगे एक्सपेंड ही करेगा। ठीक है, इट विल एक्सपेंड अभी फिलहाल। तो दूसरा है नेम कहाँ से आया, ठीक है, इसी लेमेत्री जो है, जॉर्ज लेमेत्री, इन्होंने ही क्वाइन किया था ये टर्म, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का। और कुछ इस तरह से ये इमेज आप देखोगे ना, ये इमेज मे भी मेरी वजह से नहीं दिख रहा हो, मेरे बैठने की वजह से, स्टिल ट्राई करना, देख, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहीं से ये एक कुछ इस फॉर्म में ये गैलेक्सी रचना हुई, और ये तीन डायमेंशंस में होता है। ठीक है, ये तीन डायमेंशंस में होता है, एक के बारे में कहते हैं टाइम और स्पेस हो गया, और एक जो डायरेक्शन होता है, ये लेट्स से अगर ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक है, तो एक डायमेंशन इसका टाइम भी है, दैट मीन्स कि आप एक मूवी होगे देखोगे इंटरस्टीलर करके, आप जाके देखना उस मूवी को, आपको ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्यार से समझ में आएगा। ठीक है, आगे इसके बारे में ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, अब आ जाते हैं हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो बेटा देखो, कोई भी सोलर सिस्टम या कुछ भी कोई भी एक स्टार सिस्टम बनता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक जो अभी एक्सेप्टेड थियरी है जिसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से। कहते हैं कि हुआ क्या कि जो आपका ब्लैक होल था वो आपको गैलेक्सी छोड़ा, बहुत सारे डस्ट छोड़े, रॉक्स छोड़े। ठीक है, तो इन रॉक्स ने क्या किया, ये जो रॉक्स थे, इन्होंने जो बड़े बड़े रॉक्स थे उन्होंने सेंटर में अपने आप को स्टेबल किया, और वो ज्यादा ग्रेविटेशनल जो उनका मास था उस वजह से ये ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाने लगे। ठीक है, और इस वजह से इन्होंने एक गोला शेप ले लिया, एक राउंड शेप ले लिया, ठीक है, एक फिक्स पाथ बना लिया, एक शेप ले लिया। ठीक है, इस शेप में क्या हुआ कि बीच में जो बड़े रॉक थे या बड़ा जो सब्सटेंस था, ये एक आपस में मतलब वो अपने आप में ज्वाइन करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स मिलके, और इसी को बीच में एक स्टार कहते हैं, और जो छोटे स्टार्स थे या छोटे रॉक्स थे वो इनके साथ अलग अलग ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हैं, इन्हीं को हम प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये जो है या फिर इसमें पाए जाते हैं ये सब प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट्स होते हैं। अगर देखा जाए हमारी कौन सी गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी है बेटा। ठीक है, और मिल्की वे का पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के बीच में देखा जाए तो हमारा सन है। ठीक है, सोलर सिस्टम के बीच में अगर देखा जाए तो हमारा सन है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको भी, पहले फिलहाल ये देख लेते हैं। अभी हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए क्या क्या प्रेजेंट है, तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं। ठीक है, इसके साथ ड्वार्फ प्लैनेट भी है। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं एक सिंपल सी बात कि इन एक हर एक टर्म को हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है,
एक सिस्टम में जैसा जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज अगर मैं डिक्टेट करने जाऊं तो वो थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। अगर कहा जाए सन की बात करें तो सन जो होगा इनके बीच में, कि इसका 99.8% जो मास होगा ना वो बीच में कंसंट्रेटेड होगा। लेट से मतलब ये पूरा अगर सोलर सिस्टम है तो इसका मैक्सिमम मास यहीं पे होगा, ठीक है। इसके अलावा जो होंगे इसमें मात्र 0.2% ही मास होगा, अगर हमारे हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करके देखा जाए तो, ठीक है। थोड़ा सा अगर सन के बारे में रेफरेंस डेटा देखेंगे, इसकी एज के बारे में कहते हैं कि ये 1.39 मिलियन सीयर मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे, मतलब इसका जो डायमीटर है अगर देखा जाए, बेसिकली ये अगर सन है तो इसका डायमीटर है ये 1.39 मिलियन किलोमीटर का है, ठीक है। मास इसका ये है आपका, ठीक है। और अर्थ के मास से अगर देखा जाए अगर बेसिकली, तो ये 330,000 टाइम्स मोर देन अर्थ के मास का है। इसका एज देखा जाए तो 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन अर्थ 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अगर नियरेस्ट स्टार के बारे में मतलब इसके बारे में बात की जाए तो नियरेस्ट स्टार यहाँ से 4.3 लाइट ईयर पे है, और उस नाम क्या है उस स्टार का आप बताओगे? मैं भी बता देता हूँ, प्रोक्सिमा सेंट्यूरी, ठीक है। ये नियरेस्ट स्टार है हमारा। अब सोलर विंड से यहाँ पे आते हैं, उसका स्पीड क्या होता है? 3 मिलियन किलोमीटर पर आवर, ये इनकी इसकी स्पीड होती है। ल्यूमिनोसिटी देखा जाए तो 390 बिलियन मेगावाट्स की ल्यूमिनोसिटी होती है। टेम्परेचर अराउंड, टेम्परेचर देखो अगर हम बात करें सन की, तो सन की टेम्परेचर वैरी करते रहती है। अगर ये सन है तो सन का टेम्परेचर वैरी करते रहता है। इसके सेंटर में अगर देखोगे तो इट इज मोर देन 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी इट इज मोर देन दैट, इवन दिस इज स्मॉल, ठीक है, इससे ज्यादा होते हैं। और आउटर मोस्ट सर्फेस देखा जाए तो ये 60,000 के आसपास, 60,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या फिर ये जो आपका टर्म है 5,500 डिग्री के आसपास ये होता है। अभी आप देखोगे, अभी एक रिसेंटली अगर अभी की बात करें तो आदित्य L1 करके, L1 सैटेलाइट हमारी लॉन्च हुई है, जो इंडिया ने लॉन्च की, इसरो ने लॉन्च करा है, टू स्टडी इन डेप्थ अबाउट द सन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, इसको इसका नाम क्यों आता है? आदित्य का नाम तो सूर्य को ही हिंदी में हम आदित्य बोलते हैं, इनका पर्यायवाची है। L1 क्या है? L1 एक ऑर्बिट है जो 1 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, कहाँ से? धरती से। यहाँ पे ये ट्रेवल होगा और यहीं से स्टडी करेगा ये किसको? सूर्य को। इसीलिए इसको आदित्य L1 नाम दिया गया। L1 इज द नेम ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, विच इज 1 मिलियन किलोमीटर अवे। इसकी फाइंडिंग्स अभी आ भी रही हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं, अभी और भी आ रही हैं, तो इस पे मैं स्पेशल क्लास आपकी कभी ना कभी लूंगा रिसेंटली, ठीक है, इस पे। और फिर चंद्रयान पे भी होगा, चंद्रयान 3 पे, इनके बारे में इन डेप्थ स्टडी मैं कराऊंगा, चंद्रयान प्रोग्राम पे, ठीक है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं वापस से टॉपिक में, ये हो गया हमारे सन के बारे में, ठीक है। अगर देखा जाए टोटल तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक सन है, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, 178 नोन मून्स अभी तक जितने हमें हमें पता लगा, इन मून्स की बात करें तो ये टोटल 178 है। अप्रोक्सीमेटली ये नंबर आप अप्रोक्सी मानो, इसको मत ही मानो, ये 3,319 कॉमेट्स हैं, इससे काफी ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ दो। आप एस्टेरॉइड्स की बात करें, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो इनको कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। फिलहाल हम 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं। एक सन के पास कितने प्लैनेट्स हैं? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। एक और प्लैनेट था पहले, जो अब ये प्लैनेट हिस्सा नहीं रहा, जो प्लूटो है वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा ये चीज आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, तब तक वेट करता हूँ कि आपका आंसर आए कमेंट में, ठीक है। फिलहाल और भी जो ड्वार्फ प्लैनेट है, जैसे सीरीज है, मेकमेक है, ठीक है, इरीज है, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट है, तो इनके बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देखो सी होता क्या है कि प्लैनेट्स होने के लिए किसी भी मतलब सोलर सिस्टम का प्लैनेट होने के लिए कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, उसको फॉलो करनी होती है, ठीक है। जैसे एक अगर हम बात करें सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी, तो इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ होना चाहिए, ठीक है, ऑर्बिट होना चाहिए,
और इस ऑर्बिट में कोई भी डेबरीज नहीं होनी चाहिए। डेबरीज क्या है बेटा? ये डेबरीज क्या है? जो रेसिड्यूज मतलब कॉमेट्स या फिर बाकी की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इनका एक जो हमारा सन है उनके साथ में घूमने का इनका एक फिक्स्ड रिवॉल्यूशन टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्लूटो जो था आपका, प्लूटो क्यों अभी के टाइम में नहीं है। इसने क्या किया था कि इसने नेपच्यून के ऑर्बिट को, प्लूटो जो था वो नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर गया था, ठीक है। इसलिए इसको 2000 में हटा दिया गया अपने मतलब क्या कहते हैं प्लेनेट के कैटेगरी से, ठीक है। अब इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट अगर ये अगर प्लेनेट्स नहीं है तो अब ये क्या बचे? अगर प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट क्या है फिर? तो सी, ड्वार्फ प्लेनेट आर द थिंग्स कि जो अपने आप को मतलब कुछ प्रॉपर्टीज प्लैनेट्स के पजेस करे, बट आखिर मतलब ऑन द गो ये अपने आप को एस्टेरॉइड में ही गिने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं प्लैनेट्स की, इसलिए इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। एक प्रॉपर्टी, एक एक चीज के बारे में जाओ, ठीक है। और हर प्लैनेट का अपना मून होता है, ये भी एक इनके बारे में प्रॉपर्टी जान लो, ठीक है। और इन प्लैनेट्स को अगर हम देखें तो इन प्लैनेट्स को डिफरेंट मतलब ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें शुरू के जो चार जो प्लैनेट्स हैं ना, ये मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स दैट सिंपली मीन्स व्हाट? टेरेस्ट्रियल मीन्स इनका जो बेस होगा, इनका जो सरफेस होगा वो लैंडमास होगा, ठीक है। लैंडमास होगा मतलब सॉलिड होगा, ठीक है। और जोवियन इन प्लैनेट्स को देखा जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं? गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट, ठीक है। इसको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। इनका जो मास होगा वो सिंपली मतलब गैस फॉर्म में होगा। तो अब एक बात बताओ, इन आठों में अगर देखा जाए अभी तक जितना बताया उस हिसाब से, क्या आपको नहीं लगता कि जो लाइफ होगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस यहीं पे चारों के आसपास हो सकती है, ठीक है, यहीं पे हो सकती है, इसके अलावा लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाए तो ये कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो कम से कम बेसिक लैंड तो होना चाहिए ना जहां पे आप रहें, ठीक है। तो लाइफ के लिए यही चारों ये हैं, सुटेबल है। बट अलग अलग कारणों से इनमें ना मरकरी में लाइफ पाया गया है, ना वेनस पे पाया गया है, ना मार्स पे अभी तक तो नहीं पाया गया, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट की सोच सकते हैं, अर्थ पे है। तो क्यों है, क्या है, कैसे है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, सी थोड़ा सा इन डेप्थ इसके बारे में और देख लेते हैं। वेयर इट इज सोलर सिस्टम की बात की जाए तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, बिल्कुल जी बिल्कुल है, ठीक है। ये लोकेटेड क्या है? 25,000 लाइट ईयर्स टू द गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर ये है आपका, ठीक है। यहाँ से 25,000 लाइट ईयर अवे है फ्रॉम द रिम से भी, ठीक है। और रिवॉल्व्स अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर वंस इन अबाउट 240 मिलियन ईयर्स। ये रिवॉल्व करता है 240 मिलियंस में एक बार, ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इनका बना था, इसकी लाइफ है, ठीक है। लाइफ अगर देखा जाए तो आगे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया ही है कि इसका मैक्सिमम जो 98.8% मास होगा वो कहाँ होगा? अर्थ, सन में या फिर स्टार में कंसेंट्रेटेड होगा। बाकी का ओनली 0.2% जो होगा वो प्लैनेट से अदर होगा, ठीक है। आपको नहीं लगता कि जहां मैक्सिमम मास होगा वहीं पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इसी वजह से जो सन है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं गैलेक्सीज, ठीक है, सॉरी प्लैनेट्स। तो यही एक रीजन है बेटा, ठीक है। अब दूसरी क्या होगी? ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर ऑन द सेम प्लेन एंड इलिप्टिकल, ठीक है, सेम प्लेन पे होना चाहिए बेसिकली, ठीक है भाई। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। द पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज विथ इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑब्वियस सी बात है। अगर देखोगे, अगर इनके
डिफरेंस के बारे में कि इनमें क्या मतलब कैसे कैसे है। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, इसकी अगर बात करें तो मरकरी 87.97 या फिर इसको 88 डेज कह लो, ठीक है, 88 डेज टाइम लेता है ये अपने आप को रिवॉल्व करने में अगर पूरा देखा जाए तो, मतलब सन के खिलाफ, सन के चारों तरफ। वेनस की बात करें जाए तो ये 225 डेज है या फिर 224.7 डेज अगर इसको कह सकते हो। अर्थ के बारे में आपको पता ही है 265.26 डेज है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मार्स, मार्स का है जैसे जैसे ये दूर हो रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है 686.98, मतलब अर्थ डेज, मतलब धरती के दिन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो गया, जुपिटर। जुपिटर का देखा जाए तो 4,332.82 अर्थ डेज है, बिल्कुल भाई। इसके बाद क्या आ जाता है, सैटर्न 10,756 है, फिर 30,687 अर्थ डेज है, फिर ठीक है। इसके बाद नेपच्यून का आ जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लो अगर करना चाहो तो, ठीक है, 60,190 हो गया। और लास्ट में जो प्लूटो था इसका, ये तो खैर क्रॉस ही कर गया, देख रहे हो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है इस ऑर्बिट को, प्लूटो जो है ये नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, यही चीज मैंने आपको बताया था ना, तो इसी वजह से ये इस ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से इसको हटाया गया है। इसका 90,553 डेज है धरती को, मतलब और सन को ऑर्बिट करने का टाइम फ्रेम, ठीक है। और प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में, मतलब एक यही एक प्लेन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे हो रहे हैं कुछ इसके ऊपर ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, नहीं, सारे एक ही प्लेन में इसको रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, यही इनकी खासियत है, ठीक है। तो इनके रिवॉल्यूशन टाइम के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि भाई बताओ सैटर्न का रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, जुपिटर का क्या है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आप ध्यान दोगे, ठीक है। ओरिजिन के बारे में आपने पढ़ लिया, प्लेनेट के जो शेप साइज और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ लिया, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा ही है, ठीक है। इससे पहले हमने इसको क्या बोला है, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, थ्री क्राइटेरिया फॉर अ प्लैनेट, ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है, एनफ ग्रेविटी फोर्स टू बी इन स्फेरिकल से, बिल्कुल। दूसरा, इट हैज रिमूव्ड डेब्रीज अराउंड इट्स ऑर्बिट, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो यही सारी चीजें होंगी। अब आगे हम जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब एस्टेरॉइड्स के बारे में देखते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या है। बेटा देखो, अगर देखा जाए एस्टेरॉइड्स बेसिकली ये क्या है, ये छोटे लैंड मासेज है, ये रॉक मासेज है, रॉकी मासेज है, ठीक है, जो इधर उधर पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर साइज। अगर साइज कम होता है तो इनके पास अपनी जो प्रोपर अपनी जो इनकी क्या कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कम होता है, इस वजह से ये इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, तो यही बेसिकली आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के एस्टेरॉइड्स के मेन एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है, द मेजोरिटी ऑफ नोन एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट विद इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखो, जो भी जोवियन प्लैनेट होंगे, जोवियन प्लैनेट की एक और प्रॉपर्टी होगी कि ये, मतलब इनके चारों तरफ, एक ये भी है प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, इनके चारों तरफ क्या होगा, डिफरेंट रिंग्स बने होंगे एस्टेरॉइड्स के बहुत, ये अगर मान लो कि ये अगर प्लेनेट है तो इसके चारों तरफ रिंग बने होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम आपको देखने को जुपिटर के और मार्स के बीच में मिल जाता है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। थोड़ा साइज वाइज अगर देखोगे, थोड़ा सा ये रह गया, इसको समझाना जरूरी है, अगर साइज के हिसाब से देखोगे तो इसका पूरे, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न आता है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ठीक है। ये इनके साइज के हिसाब से इनको हमने बांटा हुआ है, ठीक है। इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो आपको पता है, आउटर भी आपको पता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, जुपिटर के टोटल 63 थे, अब 72 हो गए हैं, ये 63 नहीं है, ये 72 हो गए, ठीक है। सैटर्न के 62 हो गए, नहीं इसके 16 है, ठीक है, ये 16 है। यूरेनस के पास 27 है, नेपच्यून के पास 13 है, मार्स के पास 2 है, अर्थ के पास 1 है, और वीनस और मरकरी के पास 1 भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम वीनस और मरकरी की बात करें तो मरकरी पे कोई नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बट यहां पे इसके बाद अगर वीनस की हम बात करें तो वीनस के, अच्छा एक बात आपको पता है, मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है आपका सोलर सिस्टम का सन के पास में, बट स्टिल इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। इसके बारे में आपको पता है, चलो मैं बताता हूं आपको,
ठीक है, मरकरी जो है आपका, इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट। व्हाई सो? बिकॉज वीनस जो है इसके जस्ट बाद में, जिसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर कह लो, ठीक है, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कह लो, ठीक है, इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। क्यों? क्योंकि देखो, जब अगर मान लो कि ये आपका, अगर इधर बनाता हूं, ये आपका अगर वीनस है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो बीच में वीनस है, ये वीनस है, इसके चारों तरफ से ना एक क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, इस क्लाउड को हम कह सकते हैं ये H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड होता है, जो जो बाहर की जो सन की जो हीट है या सनलाइट को है वो इंटर तो कराता है, बट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाता है, ठीक है, और अंदर में बहुत सारे अदर गैसेस पड़े होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए इसमें ये सनलाइट जो होता है, हीट जो होता है, वो ट्रैप हो जाता है, और इस वजह से ये रेड बॉल ऑफ फायर की तरह दिखता है, ठीक है, और इट इज, दैट्स वाई इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे आ जाता है, हीट ट्रैप हो जाता है, और ये हमेशा के लिए यही रह जाता है, तो ये आपको मरकरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर के ऊपर H2SO4 का क्लाउड भी है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस वजह से ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, क्यूपर्स बेल्ट डेवरीज वाला, ठीक है, इसको छोड़ दो, ड्वार्फ प्लैनेट की बात करें, ड्वार्फ प्लैनेट भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, अब कॉमेट्स को देखते हैं। देखो कॉमेट्स क्या है बेटा, ठीक है, कॉमेट्स इज अ स्मॉल आइसी सोलर सिस्टम बॉडी, ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम का जो छोटा, मतलब बहुत छोटे छोटे बर्फ के गोले होते हैं, यही आप कई बार देखते होंगे गिर के टूटते हुए, ठीक है, टूटता तारा भी कॉमेट्स को ही बोलते हैं एक तरह से देखा जाए, ठीक है, ये फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, मेनली इसमें क्या होता है, वाटर होता है, अमोनिया होता है, मिथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी चीजें जो ज्यादा है ना, ये जोवियन प्लैनेट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है, ये जो भी आपको देखा जाए, ये जो कंस्टिट्यूएंट्स मैंने बताए हैं, चाहे वाटर हो, अमोनिया हो, मिथेन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, जोवियन प्लैनेट्स पे, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इन उस पे इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, ओनली अर्थ इज द प्लैनेट वेयर दिस ऑल आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अर्थ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा इन डेप्थ, ठीक है, आगे हम देखते हैं, ठीक है, ये घूमते रहते हैं, और ड्यू टू सम रीजंस कई बार ये होते हैं जब हमारे ये, और मतलब एटमोसफेयर में आते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं ड्यू टू रिएक्शन और देयर स्पीड, देयर फ्रिक्शन, तो उन्हीं को हम कॉमेट्स में गिनते हैं, ठीक है, मेट्रोइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड डेब्रीज होते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के, मतलब किसी भी, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट से टूट के बना हुआ होता है मेटेरॉइड्स, ठीक है, मेटियोर्स क्या होते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को हाई स्पीड में आते हैं और ये बर्न करने लगते हैं, इसी को मेटियोर्स बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, व्हेन अ मेटेरॉइड डजंट मेल्ट अप कंप्लीटली एंड रीच टू द अर्थ सरफेस, तो ये मेटेरॉइड्स होते हैं, ये बहुत सारे अर्थ पे आप आए भी हैं अभी तक, इन रिसेंटली ये मतलब बिहार के नालंदा के एरिया में अभी जस्ट ये गिरा भी था, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज में ये मैक्सिमम ये फॉल होता है, ठीक है, अब मून की बात करें, मून इज नथिंग बट अ सैटेलाइट, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, ये प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है बेटा, अब दूसरी बात की जाए, मून के बारे में आपने पढ़ लिया बेटा, आपने बता दिया, एक और चीज आपको बताऊं, आपका जो प्लैनेट है ना, क्या कहते हैं इसको, जुपिटर, जुपिटर के पास एक मून है, ठीक है, बहुत सारे है, तो इसके पास बहुत सारे, यहीं पे आप इसका आंसर आप कमेंट में दोगे या फिर पता करके आओगे, एक मून है, ठीक है,
जिसका नाम नहीं जी से है, चलो इतना बता दिया, ठीक है, इस पे लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ऐसा कहा जाता है, ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, गेनीमेड इसका नाम है। यहां पे कहते हैं कि लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है, तो आफ्टर मार्स हो सकता है यही नया लाइफ का सर्च पॉइंट यही बनेगा फिलहाल के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब आ जाते हैं मून के बारे में, ठीक है। ये मतलब बेसिकली क्या होता है, जो मून आपका होता है, मून आपका मतलब प्लेनेट का स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल पुल से बंधा होता है और ये प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे प्लेनेट किसके रिवॉल्व करता है, ये सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, उसी तरह ये मून जो होगा, ये मून आपके प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, यही आपके होते हैं और इसीलिए इसको सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली आपका चंद्रयान 3 सक्सेसफुली, लैंडेड ऑन नियर साउथ पोल, नियर कहना होगा, रीजन ऑफ मून, ठीक है। और हमारे मून के बारे में हमने बहुत सारी चीजें नहीं पता लगी, जैसे कि ठीक है, एक तो ये पता लगा कि यहाँ पे कौन कौन से आपके मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो पता चला, ठीक है, एलिमेंट्स के अलावा और क्या क्या पता लगा, यहाँ पे हमें फ्री ऑक्सीजन्स मिले हैं, फ्री हाइड्रोजन्स मिले हैं, फ्री स्टेट में मतलब आयन्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट मिले हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी ज़्यादा निकला, इसके अंदर का टेम्परेचर साउथ पोल में कहा जाता था कि माइनस में टेम्परेचर होगा, बट नहीं, इट वॉज अराउंड 70 to 80 डिग्री, ठीक है, इनसाइड द सर्फेस, ठीक है, एक चीज हो गया। यहाँ पे डे कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है, आपको पता होगा ना कि 14 दिन के बाद वापस से जब इसको रिवाइव करने के, प्रज्ञान रोवर को, प्रज्ञान को रिवाइव करने की अगर कोशिश की गई तो वो हुआ नहीं, ठीक है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को वो हुआ नहीं। तो बेसिकली क्या है कि 14 दिन की, 14 अर्थ डेज की यहाँ पे दिन होती है और 14 अर्थ डेज की रात होती है, ठीक है बेटा। अब मोशन की बात किया जाए अर्थ की, तो अर्थ दो तरह से मोशन में रहता है, एक तो है कि ये रिवॉल्व हो रहा है जो आपको बताया, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, और दूसरा है ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। इसका रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रिवॉल्व रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर इसके बारे में देखा जाए, ये टोटल आपका 23.57 या कुछ ऐसे ही सर्टेन ये टाइम लेता है, ठीक है, 23, ये 24 आवर्स भी टोटल नहीं लेता है, ये टोटल 23 आवर्स समथिंग समथिंग 56 मिनट कुछ करके ये लेता है टाइम। और दूसरा ये एंगल है, एक टिल्टेड है, हमारा अर्थ जो है ये ऐसे करके 23 डिग्री पे, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 23 डिग्री पे ये टिल्टेड है थोड़ा अगर देखा जाए तो, ठीक है, टिल्टेड फ्रॉम इट्स एक्सिस, ठीक है, जिस वजह से आप देखोगे इसी टिल्ट की वजह से आप आगे पढ़ोगे कि जो ये सर्दियों का मौसम आता है उसमें ज्यादा सर्दी है, धूप इतना ठंडा क्यों हो जाता है, और मतलब गर्मियों में इतनी तेज धूप क्यों लगती है, क्योंकि है तो सेम ही चीज, फिर साउथ पोल में अलग टाइम पे क्यों आता है, मतलब विंटर नॉर्थ पोल पे क्यों आता है, मतलब अलग टाइम पे विंटर, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। वहीं रोटेशन की, रिवॉल्यूशन की बात करें, ये 365 डेज, 1.365 होल, 1/4 डेज में टोटल रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है, एवरी ईयर मतलब जो 4 साल पे 29 डेज होता है, तो वही इसी चार, ये जो है ना आपका 1/4, इसी को बैलेंस करने के लिए 29 डेज किया गया है, ना कि 20, और हर बार ये 28 डेज होता है, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 1 डेज हो जाता है, तो हर एक 4 साल पे देखोगे 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये 1 हो जाता है, तो इसीलिए हर एक 4 साल के बाद आपका क्या होता है, 6 6 आवर बढ़ बढ़ के 24 आवर में जैसे ही होता है, तो हमने कहता कह दिया कि देखो जी इस साल लीप ईयर है, फरवरी का महीना है, ठीक है, तो वैसे लीप ईयर को हम गिनते हैं और उसमें एक दिन जैसे ही बढ़ता है तो ये 366 डेज होता है ड्यू टू दिस ओनली, आई बात समझ में, ठीक है। अब हम सोलिस्टिस की बात करते हैं या विंटर सोलिस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, सोलिस्टिस होता क्या है, ठीक है, इट इज बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली है, इसमें दिन अलग अलग टाइम पे ना
दिन के और रात के टाइम बड़े होते हैं, ठीक है। जब हम समर सोल्स्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है ये 21 जनवरी को होता है बेटा, ठीक है। और वही मतलब विंटर सोल्स्टिस, विंटर में अगर बात की जाए तो ये 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और इसी आर्कटिक रीजन पे इस टाइम में आप देखोगे तो इल्यूमिनेशन, मतलब बहुत सारे इल्यूमिनेटेड थिंग्स आपको दिखेंगे। पल्सर्स आप जानते हो पल्सर्स क्या होते हैं, ठीक है। पल्सर्स आर बेसिकली, पल्सर्स आप देख सकते हो इन टाइम में, कहा जाता है ये पोलर रीजन से आपको दिखेंगे। ये बेसिकली एक ऐसे मतलब सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, ये कुछ समय के लिए फॉर सर्टेन टाइम, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ स्टार, ठीक है। ये स्टार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब अगला आ जाए, इक्विनॉक्स क्या है बेटा, इक्विनॉक्स क्या है, ठीक है। इट इज जस्ट, इक्विनॉक्स को सोलर इक्विनॉक्स कहते हैं। इट इज अ मोमेंट इन टाइम व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द अर्थ इक्वेटर, द सन क्रॉसेज द अर्थ इक्वेटर, ठीक है। विच इज टू से अपियर्स डायरेक्टली एवब, अगर देखा जाए इस पॉइंट को, अगर हम देखा जाए यहाँ पे इक्वेटर के सीधे सामने में सन होता है, ठीक है। ये सन सीधे यहाँ पे होता है, ये 4 बार होता है अगर देखा जाए तो, 1 2 3 4, ये 4 बार फॉर्म होता है, ठीक है। और ये अलग अलग डेट पे है, दिसंबर में 21 22, मार्च में 20 21, जून में 20 22, सितंबर में 22 23, ठीक है। इस दिन ये होता है इक्वेटर पे, तो नियर बाय इक्वेटर या सब इक्वेटोरियल रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नियर टू द इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। अब पेरिहिलियन और एपिहिलियन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या है, ठीक है। द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन ऑन इट्स पेरिहेलियन, एट पेरिहेलियन पोजिशन द अर्थ इज अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर। दैट सिंपली मीन्स क्या, इसके नियरेस्ट जो ये देखोगे, ये ऑर्बिट पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये कुछ हद तक एक मतलब ओवल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आता है ना, इसी को बोलते हैं पेरिहिलियन और इसको बोलते हैं एपिहिलियन, ठीक है। एपिहिलियन भी तो, सॉरी, इसको बोलते हैं पेरिहिलियन और इसको बोलते हैं एपिहिलियन, ठीक है। इस पॉइंट को जब सबसे दूर होता है, ठीक है, इस समय 152 मिलियन किलोमीटर अवे होता है और इस टाइम में देखा जाए तो 147 मिलियन किलोमीटर नजदीक होता है, यही है डिफरेंस इसमें, ठीक है। और जो पेरिहिलियन होता है, ये जनवरी 3, एवरी ईयर ऑन 3 जनवरी ये फॉर्म होता है, और एपिहिलियन अप्रोक्सीमेटली अगर अराउंड देखा जाए 2 दिन आगे या 1 दिन पीछे या इसी के अराउंड जुलाई 4 के आसपास ये हर साल आता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एलिप्स की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है इस समय की एलिप्स, जो ग्रहण लगता है भाई, कैसे कैसे ग्रहण लगते हैं, किस तरह के ग्रहण लगते हैं। तो बेटा देखो, अगर हम ग्रहण की बात करें या फिर एलिप्स की बात करें, तो हमारे 2 तरह के एलिप्स लगते हैं, एक होता है सोलर और दूसरा होता है लूनर। अगर सोलर एलिप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पार्सियल, ठीक है। पार्सियल होता है कि सर्टेन लेंथ से ये सन है और इस पोर्शन में, मतलब कुछ पोर्शन इसका, पहले ये समझ लो ये होता क्या है एलिप्स। लेट से अगर सोलर एलिप्स की बात करते हैं, जैसे ये सन है, ठीक, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में मून आ गया, और इस एरिया में, एक सर्टेन इस पर्टिकुलर एरिया में ये सन के लाइट को रीच नहीं करने दिया, तो इस एरिया में कहा जाता है कि ये सोलर एलिप्स लग गया। और ये जो एग्जाम्पल है, जब मून और सन के बीच में धरती आ जाती है तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण है, ठीक है। मतलब चांद ग्रहण में चला गया, चांद पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है। अब सोलर इलिप्स की अगर हम बात करें तो सोलर इलिप्स 3 तरह के होते हैं। पार्सियल मतलब आधा, ठीक है, ये टोटली परफेक्टली अलाइन नहीं होगा। एनुलर जो होगा ये रिंग शेप का होगा, ठीक है बेटा, ये मान लो ये रिंग शेप का दिखेगा, ये जैसे कि सन है ना, तो ये सन पूरा नहीं दिखेगा, इतना जो अंदर का पोर्शन होगा ये नहीं दिखेगा, लेकिन साइड साइड से हो सकता है ये दिखे, ठीक है, इसके साइड से थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि ये दिखे। तो ये क्या चल रहा है यार, 1 मिनट,
सी, हाँ जी बच्चों, तो इलिप्स होता है, ये दो तरह के लगते हैं, सोलर लूनर, यही मैं बता रहा था आपको, अभी बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आई। अब सोलर इलिप्स क्या होता है? सोलर इलिप्स आपने देख लिया कि ये किस तरह से आपका फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब कैसे किस पाथ को ये फॉलो करता है और ये कैसे अपने आप को बनाता है, सोलर इलिप्स कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, एक चीज़ आपने ये देख लिया। दूसरा है लूनर इलिप्स, ठीक है। लूनर इलिप्स क्या होता है कि जब सन और मून के बीच में धरती आ जाती है, ठीक है, तो ये लूनर इलिप्स हो गया। सोलर इलिप्स तीन तरह से लगता है, एक हो गया पार्शियल, पार्शियल मतलब ये पूरी तरीके से नहीं हुआ। एनुलर हो गया है कि एक कवर्ड रिंग शेप बनाएगा, ठीक है, और इसके बाद एक और आता है, ये टोटल इलिप्स होगा कि मतलब पूरा सन ही नहीं दिखेगा एक जगह से, ठीक है, ये होगा आपका टोटल इलिप्स में गिना जाएगा, ठीक है। लूनर इलिप्स में आपके दो ही तरह के होते हैं, या तो ये टोटल होता है या पार्शियल होता है। लेट्स से, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये सन है, सन के पास अपनी लाइट है, तो इसको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे ये चांद की तरफ ये बाकी का एरिया दिख रहा है, इसलिए ये मतलब ये रिंग की तरह सन, यहाँ धरती से सन दिखेगा। बट इसकी बात करें, ये मतलब अगर इसको मान लो कि ये अर्थ है और ये मून है, इसके पास ये क्या करता है, हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है सिर्फ सन की, तो सन अगर आधा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है तो पार्शियल है, जब पूरा अगर कर पा रहा है, अगर पूरा का पूरा अगर कर पा रहा है तो कोई इलिप्स नहीं है, और जब ये पूरी तरीके से अगर धरती और धरती इन सन और मून मून के बीच में अगर आ गया पूरी तरीके से, तो इस केस में आपका क्या होगा, ये जो आपका इलिप्स लगेगा, ये आपका कैसा इलिप्स कहलाएगा, टोटल इलिप्स कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, यहीं पे ये क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड वी विल कंटिन्यू द क्लास इन द इवनिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लास हम शाम में देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना अच्छे से ख्याल रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मेरी क्लासेस को, और जहाँ पे कोई डाउट हो आप पूछें, अपना भी ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।